हे गाइस व्हाट्स अप, स्वागत है आपका GTA 5 के एक और नए एपिसोड में। ये वीडियो देख रहे हो आप गेमिंग तक यूट्यूब चैनल पे, तो भैया इस पे भी मैं GTA 5 के गेम प्ले डालता रहता हूँ, सब्सक्राइब कर लो। तो अब हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम GTA ऑनलाइन या दूसरी वाले भी GTA के जो मेगा रैम्स होते हैं उनको हम टेस्ट करेंगे। जैसे कि अभी मैंने जो मेगा रैम्प लाया हूँ, आप ये देखो भाई साहब, ये मुझे मतलब इतना कूल लगा ना मेगा रैम्प। हालांकि इससे मैं इतनी लंबी लंबी छलांगे नहीं मार सकता, लेकिन देखो ये कितना कूल है। ये देखो ये पूरा ऐसे मैं टर्न लेता हुआ फिर ये देखो ये वाले इसमें से निकल के ये नीचे जाके पूरा का पूरा ये देखो टर्न लगेगा ये पूरा। और ये वाली भी बिल्डिंग से फिर राइट कट मरेगा। अब ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है, गारंटी की बात है, क्योंकि अचानक से टर्न करना और फिर ये ऊपर जा जाके यहाँ से जंप लगेगी फाइनल। और यहाँ पर इसके मेज़ बैंक के ऊपर है ये, तो इसका मोड जो था यहीं पे ही डला हुआ है। एक हेलीकॉप्टर ऊपर घूमे जा रहा है पता नहीं क्यों, जिसको मैं ऐसे पटक के मारेगा। ये देखो ये रुको इधर आ, ये ठोक दिया हेलीकॉप्टर को, दिखाऊँ कहाँ फंसा है ये रहा। चल ए ए ए ए ए ए फाड़ दिया, फट गया भाई साहब। और हाँ ये देखो ये UFO लगा हुआ है इसके ऊपर, पता नहीं क्यों FIB का। तो कोई बात नहीं, हम तो यहीं पे ही है खैर। तो ड्राइवर भाई साहब आ गए हैं और हम अपने मेन्यू से जो है वो गाड़ियाँ मंगवाएंगे। अब सुपर गाड़ियों में से पहले कौन सी मंगवाई जाए, BMW i8 मंगवाई जाए, देखते हैं ये कैसी परफॉर्मेंस देगी इस पर। अरे 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 अरे, तो मैंने अब हॉर्न दबाते ही ना इसमें बूस्ट चल जाएगा, तो वो वाला मैंने मोड लगा दिया। और ये काफ़ी ज़्यादा गड्ढे वड्ढे आ रखे हैं, यहाँ पे प्लेन आ गया शुक्र है। तो इसके अलावा मैंने एक जो है वो मोड देखा था भाई साहब, रैंप का ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट मोड था, और एक देखा था मैंने स्पेस से। तो स्पेस वाला रैंप अगर आप चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बाकी अगले में मैं और ऐसे मोड्स लाता रहूँगा। वीडियोज़ अगर इस टाइप की पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो भैया लेट्स गेस पो माई फ्रेंड, ऊपर जाना देखो वहाँ पे। और ये गाड़ी कंट्रोल अच्छी होती है इसलिए सबसे पहले मैंने यही चूज़ करा है BMW को। जब आखिरी में बिल्कुल उड़ने वाला टाइम आएगा ना, ऐसे देखो बूस्ट लगा दूंगा मैं। ओ ओ ओ ओ, ओ यार ये वाला ना बहुत गड़बड़ है, अगर ये यहाँ उछल जाएगी गाड़ी तो दिक्कत हो जाएगी फिर। और ये देखो ये कट आ गया जो मैं बोल रहा था आपको, तो मैं यहाँ से भी स्टंट मार सकता हूँ वैसे तो पूरा। चलो मार के देखेंगे, पहले एक बार फाइनल वाला कट ऊपर से देखना है मुझे, ताकि तगड़ा भगे पूरा। ओ भाई ओ ओ ओ ओ, ओ, ओ बच गए। ओ भाई, तो ये वाला देखो ना यहाँ से स्ट्रेट जा रहा है ना ये यहीं से घुमा दूंगा मैं। चल 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 नीचे उतर, ए यहाँ से ये स्ट्रेट जा रही है देखो। ओ तेरी, ओ भाई उड़े ही जा रही है। ओए होए, ओ भाई साहब बादलों के भी ऊपर, ओ तेरी क्या गजब है यार। सही है भाई साहब, तगड़ा। अगली गाड़ी टेस्ट करते हैं चलो। तो दूसरी गाड़ी मैं लेके आया हूँ T20, ये GTA की काफ़ी तगड़ी गाड़ियों में से एक है, तो इसमें देखते हैं। इसमें मैं सोच रहा हूँ पहले वाले में ही उड़ा दूँगा। ए ए ए ए, ए, ए। अरे 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 अरे, ये तो संभल ही नहीं रही शिट मैन, ये तो बहुत मुश्किल है। मैं इसी वाले के ऊपर से कूदाने की सोच रहा हूँ, ट्राई करते हैं चलो। ए ए ए, ओ भाई, तो ये पूरा वाला तो यार रैंप ना मतलब कवर हो नहीं पा रहा है, इतना खास नहीं है ये, इसको मैं पूरी ठोक देगा। ओ तेरी बूम। इसके बाद करेंगे टेस्ट हम लैम्बर्गिनी रिवेंटन का, जो फ्रैंकलिन के पास भी है। बट यार ये तो बहुत ज़्यादा कर्व वाले है ना, ये दिक्कत है ये, मतलब स्ट्रेट होने चाहिए रैंप जब भी मज़ा आता है। मज़ा सा नहीं आ रहा भाई साहब इसमें, तो बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ है ये। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये सारे ब्लॉक्स जो है वो हटा रहा हूँ यहाँ से। ये देखो इससे क्या होगा, अब मेरे लिए ये पूरा का पूरा एक सिंगल रैंप बन जाएगा। तो इस तरह से मैं कस्टमाइज़ भी कर सकता हूँ, अच्छी बात है जो कि। चलो तो अब ये वाला जो है पूरा कस्टमाइज हो गया है, अब वापस से रैम्बर्गिनी को चलाएँगे हम।
और ये थोड़ा सा टर्न मारते हुए, अरे 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 अरे, अरे माय फ्रेंड, व्हाट आर यू डूइंग, ये क्या हो रहा है? मैंने कहाँ वाले हटा दिए रैंप? ओके तो ये हटाने, मुझे मैंने गलत हटा दिए। अब आएगा थोड़ा सा मज़ा, हमें कोशिश करनी है कि सामने वाले पे जंप करवाना है इसको, तो वापस से उल्टा चलते हैं और वहाँ से जंप मरवाएंगे। ओ तेरी, हाँ तो अब है ना लाइन पे भैया, और अब भगा के ये, ओ तेरी, अभी भी टर्न अच्छे नहीं हो रहे हैं ढंग से, धम। तो मैंने सोचा लास्ट में एक बाइक भी ट्राई कर ली जाए, पहले हेलमेट पहन लूँ, बहुत रिस्की हो सकता है वरना। तो देखते हैं बाइक का क्या परफॉर्मेंस रहेगी, क्योंकि बाइक अच्छे से टर्न ले लेगी। तो मुझे लग रहा है ये वाला जो रैम्प है ना, ये बाइक्स के लिए ही है। ये देखो कितना प्योर, कितना सही टर्न मर लग रहा है। ओ ओ ओ चढ़ जा, नो नो नो, गिरना नहीं है बेटा, ऊपर चढ़ो, वेरी गुड। अबे 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 अबे, हाँ, बस ये एंड तक मेरे को लग रहा है पहुंच पाएगा, मतलब पहुंच पाएगी बाइक अकेली। अबे ये क्या, मैं हटा चुका हूँ, शेट, इधर से ये आ गया था। तो भैया ये रैम्प तो बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा वाला फेल निकला, सॉरी। तो स्पेस वाला अगर रैम्प चाहते हो उसकी वीडियो बनाऊँ तो ज़रूर बनाएंगे। ये तो बिल्कुल फ्रॉड रैंप था, मतलब कि यार ऐसा घटिया सा रैंप कौन बनाता है इसमें, मतलब ना तो टर्न में आप चक्कर कर सकते हो, मतलब टर्न अगर लोगे तो फिर छलांग नहीं मार पाओगे, और इतनी स्पीड में टर्न लोगे ही कैसे सबसे पहली बार। छोड़ो यार, फिर इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, ये पूरा लॉस सेंटोस है। अगर आप चाहते हो और रैम्प्स की वीडियो बनाऊँ, अच्छे वाले रैम्प्स की, बिल्कुल स्ट्रेट या फिर स्पेस वाला रैम्प, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे इसी तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो में, टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज, तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका। बाय।